नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ रुचि शर्मा। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। और आइए अब डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। भारत सरकार क्रिप्टो माइनिंग और सप्लाई पर भी कर सकती है GST लागू। IMF चीफ ने कहा क्रिप्टो करेंसी से ज्यादा सुरक्षित और सस्ती होगी CBDCs। एसेट मैनेजमेंट फर्म BlackRock अब ऑफर करेगी बिटकॉइन ट्रेडिंग सर्विस। बिटकॉइन रिस्क का हवाला देते हुए फिच रेटिंग्स ने एल साल्वाडोर को किया डाउनग्रेड। रशिया द्वारा क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के फैसले के बीच बिटकॉइन ने $44,000 के ऊपर किया ट्रेड। एनिमोका ब्रांड्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी KKR से जुटाएगी $500 मिलियन। अबू धाबी क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म $400 मिलियन के वैल्यूएशन पर जुटाएगी $30 मिलियन। क्रिप्टो माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म ने इक्विटी और डेट फंडिंग में जुटाए $385 मिलियन। अल्फा रोमियो की नई SUV कार रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए करेगी NFT और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार डिजिटल एसेट्स की माइनिंग के साथ अलग अलग क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की एप्लीकेबिलिटी की जांच कर रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन विवेक जोहरी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि डिपार्टमेंट इंटरनली इस मुद्दे की जांच कर रहा है और इस पर एक प्रपोजल GST काउंसिल को भेजा जाएगा, जबकि बजट में वर्चुअल डिजिटल करेंसीज पर 30% कैपिटल गेन्स टैक्स का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन उनमें ट्रांजैक्शंस पर GST लगाने से क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स का ओवरऑल इंसिडेंस बढ़ सकता है। ऐसे में जोहरी ने कहा है कि प्लेटफॉर्म या एक्सचेंज ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज को टैक्सेबल सर्विसेज के रूप में मान्यता दी गई है। CBIC के चीफ के अनुसार माइनिंग पर सप्लाई के एप्लीकेबिलिटी के इशू को डिटरमाइन करने के लिए डिपार्टमेंट को ज्यादा टाइम की जरूरत है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने बुधवार को कहा कि स्टेबल कॉइन्स और प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज उतनी प्रैक्टिकल नहीं हो सकती जितनी अच्छी तरह से डिजाइन की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हो सकती हैं। जॉर्जीवा ने अमेरिका थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल द्वारा आयोजित एक इवेंट में कहा है कि CBDC स्टेबल कॉइन्स की तुलना में ज्यादा रेजिलियंस, ज्यादा सेफ्टी, ज्यादा अवेलेबिलिटी और लोअर कॉस्ट ऑफर कर सकती हैं, और अनबैक्ड क्रिप्टो एसेट स्वाभाविक रूप से वॉलेटाइल है। ऐसे में रिसर्च, टेस्टिंग या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कम से कम 100 देश करंटली CBDCs को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जॉर्जीवा ने कहा कि IMF CBDC रिसर्च में गहराई से शामिल रहा और कई सदस्य देशों को तकनीकी सहायता प्रदान की है, क्योंकि वे अपने खुद के CBDCs के डेवलपमेंट को परस्यू कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सेंट्रल बैंक से CBDC के डिजाइन और नीति के बीच संतुलन खोजने, CBDC की पॉलिसी पर काम करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर विचार करने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखने का आग्रह किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अपनी क्रेडिट फैसिलिटी की पेशकश करने से पहले दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म BlackRock क्लाइंट सपोर्ट ट्रेडिंग के साथ अपनी ऑफरिंग्स को शुरू करना चाहती है। अब क्लाइंट्स क्रिप्टो एसेट को कोलैटरल के रूप में गिरवी रखकर BlackRock से उधार ले पाएंगे। ओवर $10 ट्रिलियन के एसेट मैनेज करने वाली न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी ने पहले क्रिप्टोकरेंसी और खास करके बिटकॉइन के लिए एक फेवरेबल डिस्पोजिशन दिखाया है। BlackRock पहले से ही CME बिटकॉइन फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रही है। कंपनी की iShares ब्लॉकचेन और टेक ETF लॉन्च करने के भी प्लान्स हैं, जो US और अब्रॉड में क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज में शामिल कंपनियों से बने इंडेक्स को ट्रैक करेगा। MicroStrategy का 16.3% हिस्सा BlackRock ओन करती है। MicroStrategy के CEO माइकल सेलर बिटकॉइन के समर्थक हैं और रेगुलरली अपनी फर्म की बिटकॉइन होल्डिंग के बारे में जानकारी देते रहते हैं। पिछले साल एल साल्वाडोर द्वारा बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अडॉप्ट करने के कारण फिच रेटिंग्स ने बुधवार को एल साल्वाडोर को बहुत बुरी तरह से डाउनग्रेड किया है। फिच ने कहा है कि नेक्स्ट जनवरी में होने वाले $800 मिलियन के ग्लोबल बॉन्ड पेमेंट से पहले शॉर्ट टर्म डेट पर बढ़ती निर्भरता से उपजी फाइनेंस रिस्क की वजह से उन्होंने देश की रेटिंग को B से CCC में कटौती करने का फैसला लिया है।
फिच ने अपने बयान में कहा कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने सहित प्रेसिडेंट नायब बुकेले की अनऑर्थोडॉक्स पॉलिसी ने IMF प्रोग्राम की क्षमता के बारे में अनसर्टेनिटी को जोड़ा है, जो 2022-2023 के लिए फाइनेंसिंग को अनलॉक करेगा। मूडी के इन्वेस्टर सर्विस ने पिछले साल देश को डाउनग्रेड किया था और बिटकॉइन के इस्तेमाल को लेकर भी चिंता व्यक्त की थी। दूसरी तरफ एल साल्वाडोर के फाइनेंस मिनिस्टर एलेहान्ड्रो ज़ेलाया ने कहा है कि 0% संभावना है कि सरकार जनवरी 2023 में अपने $800 मिलियन के बॉन्ड पर डिफॉल्ट होगी। रशियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के बजाय उन्हें रेगुलेट करने की खबरों के दौर के बीच बिटकॉइन ने $44,000 से ऊपर ट्रेड किया। बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 1% बढ़कर अभी $44,226 पर ट्रेड कर रहा है। इस दौरान मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर 3.4% की बढ़ोतरी के साथ $3,241 से ऊपर ट्रेड कर रही थी। रशियन गवर्नमेंट ने कल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए प्रिंसिपल्स की सेटिंग के लिए एक डॉक्यूमेंट जारी किया, जो बात इस डिसीजन को और ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है वो ये है कि सेंट्रल बैंक भी इसमें शामिल है। एक्सपर्ट्स के अनुसार रशिया द्वारा क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी मान्यता देना क्रिप्टोवर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। अमेरिकन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म कोलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी हांगकांग बेस्ड गेम सॉफ्टवेयर एंड वेंचर कैपिटल कंपनी एनिमोका ब्रांड्स के लेटेस्ट फाइनेंसिंग एफर्ट्स में शामिल होने के लिए बातचीत कर रही है, जिसमें इसकी फंडिंग लगभग $500 मिलियन हो जाएगी। रिसेंटली विंकल वॉस कैपिटल, सोरोस फंड मैनेजमेंट और अन्य से जुटाए गए $360 मिलियन के कारण एनिमोका ब्रांड्स की वैल्यूएशन दुगनी होकर $5.5 बिलियन हो गई है। KKR जुटाए गए $360 मिलियन में एडिशनल फंडिंग ऐड करेगी। एनिमोका नॉन फंजिबल टोकन और मेटावर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में एक इन्वेस्टर है। कंपनी के पोर्टफोलियो में प्ले टू अर्न गेम एक्सी इन्फिनिटी, डैपर लैब्स और लार्जेस्ट NFT ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपनसी जैसी कंपनीज शामिल है। अबू धाबी बेस्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म हेवन $400 मिलियन के वैल्यूएशन पर $30 मिलियन जुटाना चाहती है, साथ ही लगभग 3 महीनों में सीरीज बी राउंड को क्लोज करने की उम्मीद करती है। हेवन इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग, कस्टडी, एसेट मैनेजमेंट और पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में लगभग $75 मिलियन हैं। हेवन ने दिसंबर में अबू धाबी ग्लोबल मार्केट से रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त किया है। इस पर CEO क्रिस्टोफर फ्लिनॉस ने कहा कि उनका एम अगले 4 महीनों में गल्फ सोवरेन वेल्थ फंड से इन्वेस्टमेंट रिसीव करना है। क्लिनोस ने कहा कि $1.5 बिलियन के वैल्यूएशन पर पहुंचने के बाद फर्म $150 मिलियन की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के प्लान को लेकर आगे बढ़ेगी। हेवन न्यूयॉर्क, लंदन, टोरंटो और यूरोप में एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होने को लेकर भी विचार कर रही है। मिनेसोटा बेस्ड क्रिप्टो माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म कंप्यूट नॉर्थ ने इक्विटी और डेट फंडिंग में $385 मिलियन जुटाए हैं। फर्म ने $85 मिलियन की इक्विटी फंडिंग ग्लोबल एनर्जी और कमोडिटीज ट्रेडिंग कंपनी मर्क्यूरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फर्म जेनरेट कैपिटल के नेतृत्व में रेज की है। फर्म ने नए US बेस्ड डेटा सेंटर्स के लगातार डेवलपमेंट को फंड देने के लिए जेनरेट कैपिटल से डेट फाइनेंसिंग में $300 मिलियन भी जुटाए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनीज में से एक नेशनल ग्रिड के वेंचर आर्म नेशनल ग्रिड पार्टनर्स सहित अन्य इन्वेस्टर्स भी इक्विटी फंडिंग में शामिल हुए थे। कंप्यूट नॉर्थ के फाउंडर और CEO डेव पेरल ने कहा कि फर्म नए कैपिटल का उपयोग नेब्रास्का, नॉर्थ कैरोलिना और टेक्सास सहित अमेरिका में नई होस्टिंग फैसिलिटीज को खोलने के लिए करेगी। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।